सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारी कार के बारे में कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं हमने उसमें करवाई है। किस कार के बारे में अभी आपको वो कार दिखाता हूँ। तो इधर से चलते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। ये आ गई कार। इस कार में ये है एक टाटा मांजा हमारी, और वो पीछे वो रही वहाँ पर वो मेरी एक्टिवा खड़ी है। तो इस कार के बारे में आपको मैं कुछ बताता हूँ इसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आजकल यहाँ पे पहले ना बारिश बहुत हो रही है, तो ये देखो पूरी दीवार गीली हो गई है और सड़क पे भी बाहर पानी है। तो कार अभी वीडियो पे आते हैं। और ये है हमारी कार की चाबी टाटा की, और ये कीरिंग है। ये चाबी हमने नई लगवाई है, मतलब जो कार वाले दो देते हैं उसमें एक तो पूरी मतलब घिस गई थी, और ये है दूसरी नई वाली चाबी। ये पापा मना कर रहे थे लेकिन मैंने लगा दी, क्योंकि उससे फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी कि इसका लॉक खुले या ना खुले। तो इसको अब खोलते हैं हम। तो इसमें हमने सेंटर लॉक नहीं लगवा रखा, और सेंटर लॉक होता है जैसे कि वो रिमोट वाला लॉक होता है उसको बोलते हैं सेंटर लॉक। क्यों, हमने एक बार लगवाया था उसका रिमोट भी पड़ा है मेरे पास, लेकिन फिर क्या हुआ उसके अंदर मतलब शायद पानी घुस गया था या फिर कुछ और प्रॉब्लम थी उस टाइम। ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था हमें। और अब हम करते हैं कार को ऑन, और अभी कैमरा अंदर लेके चलता हूँ मैं। सो गाइस ये आ गए हम कार के अंदर, और ये करते हैं बंद और कैमरा रखते हैं यहाँ पे। सो गाइस ये कार है, और ये कुछ इसका इंटीरियर है, और स्पेस की कोई कमी नहीं है। और पीछे से कुछ ऐसी है खाली सी, और पीछे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हैं, रैकेट हैं बैडमिंटन के। और ये इंटीरियर है इस कार का, ये रहा। और ये हैंडल बार है, ये मिरर है, ये मैं ट्राइपॉड से अभी शूटिंग कर रहा हूँ। और फिर ये आ गया मेरा भाई, ये मेरा भाई है आप जानते हो इसको, ये कई बार मेरी वीडियो में मेरे साथ आता है। तो अभी करते हैं इसको ऑन। तो ये मैंने ऑन कर लिया, और ये आ गया है, ऑन हो चुकी है। और ये कितनी चली है अभी, 85 चली है। और ये गाने अपने आप चल जाते हैं, इसमें रोकने पड़ते हैं क्योंकि ऑन होती है ना कार, तो ऑन होते ही अपने आप चल जाते हैं। ये पावर विंडो है इसकी दोनों, और मेरा भाई आगे बैठ गया है। ये दोनों पावर विंडो है इसकी। और ये था 2010 का मॉडल, क्योंकि ये हमने ली थी 2009 के 25 दिसंबर को हमने ली थी ये। और फिर अगर एक हम इसको 2009 का कह नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ एक हफ़्ता बचा था 2010 के लिए। तो हमने मना भी किया था कंपनी वालों की कि एक हफ़्ता रुक जाओ, फिर उसके बाद ले लेना, हमें दे देना, फिर ले लेंगे। क्यों, फिर RC भी जो थी इसकी वो 2010 की बनती, और अब एक साल इसका जो है कम हो गया है। तो यही है, कोई बात नहीं, चल रही है अपनी गाड़ी सही। तो ये कुछ इसका ऐसा इंटीरियर है, तीसरी बार दिखा रहा हूँ मैं। और ये अलॉय मैंने लगवाया था, मेरे दादाजी की फ़ोटो है, और ये अलॉय मैंने लगाया था इसमें। इसका कार का बर्थडे था जब 25 दिसंबर 2017 को, उस टाइम पे लगाया था मैंने। और ये मेरा भाई बैठा है, शरारती बंदा, यूँ ही ख़राब सा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कई दिन हो गए हमने स्टार्ट नहीं की इसको। और ये इशू बोल रहा है, ये ओम है, ये इशू ने लगवाया था 25 दिसंबर को ही लगवाया था इसने ये। क्यों इसने नहीं लगवाई, पापा ने लगवाया था, इसकी चॉइस थी सिर्फ, इसकी भी आधी चॉइस थी, और आधे से 60% पापा की थी और 40% इसकी थी। तो अभी करते हैं इसको स्टार्ट, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया स्टार्ट नहीं किया हमने। तो स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट हो जाती है, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी अगर ज़्यादा लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो मिसिंग मारने लग जाती है। मिसिंग में क्या होता है, एक सेंसर ख़राब है इसका, वो सेंसर अभी हम रोहतक जाएंगे तो लगवा लेंगे। और उस सेंसर में क्या है, कार मिसिंग करती है। तो मिसिंग में जैसे आप चल रहे हो, चलते चलते या तो आपकी कार बंद हो जाएगी, या फिर अगर जो हमारे वाले सेंसर ख़राब है वो ख़राब है ना आपकी कार का भी, तो क्या होगा कि आपकी जो कार है वो बंद नहीं होगी। मतलब अगर हाई गियर है और लो स्पीड पे चला रहे हो तो झटके जो है ज़्यादा लगेंगे। तो ये होता है अगर आपका O2 सेंसर ख़राब है, ऑक्सीजन सेंसर। और ये अभी स्टार्ट हो चुकी है,
मस्त। डीजल की गाड़ी होती उसकी इतनी आवाज़ नहीं होती, ये है पेट्रोल की 2010 की, इसकी आवाज़ गजब। और अब गाने चला के दिखाता हूँ आपको मैं रीडिंग। तो ये रीडिंग करता है, तब तक मैं बताता हूँ कि ये जो है इंटीरियर ये इस कलर का था सारा, तो अभी ये जो है ये ऐसे ही आए थे इसके, ये वाले सीडी 12 की जो ये वाला डैशबोर्ड है ये ऐसा ही था, ये था ऐसा, और ये जो है ये इतना पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टीरियो वाला ये पार्ट हमने लगवाया था दूसरा स्टीरियो, क्योंकि हमारी कार का स्टीरियो ख़राब हो गया था तो उसका हमने दूसरा वो लगवाया था स्टीरियो, और उसके साथ फिर हमने जो इसका ये सिर्फ इतना लगवाया था हमने, सिर्फ इतना, ये जो लिख रही ना लाइनिंग ये हमारा ख़राब हो गया था, इसके अंदर सीडी भी फंस गई थी, तो सिर्फ इतना लगवाया था, और फिर उसके साथ हमने ये जो था इतना भार का ये भी लगवा लिया, फिर हमने लगवाया था इसमें फोग लैम्प, एरी फोग लैम्प का बटन, और ये ऐसे ऑन नहीं होता। अगर आपकी कार में भी ये प्रॉब्लम है तो मैं बताता हूँ क्या है, लाइट ऑन करो, इसको घुमा के थोड़ी सी एक बार घुमा के देखो आगे लाइट जल गई है, तो ये पार्किंग लाइट ऑन करके फिर आप अगर ये फोग लैम्प का बटन दबाओगे, देखो अभी इसमें लाइट नहीं है आगे लाइट, और अगर अब हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं तो इसकी लाइट भी चली गई, और अगर हम इसको अब ऑन करते हैं तो ये लाइट आएगी नहीं, हमें दोबारा से ये करना पड़ेगा, जलेगी लाइट। मैं फोग लैम्प दिखा के लाता हूँ अभी आपको, फोग लैम्प दिखा के लाता हूँ मैं आपको अभी, तो ये हम आगे बाहर और जला दी, हाँ इसने जला दिए, और ये फोग लैम्प लगवा रखे हमने, और ये पार्किंग लाइट, ये फोग लैम्प है दोनों साइड के, दोनों साइड फोग लैम्प लगवा रखे हैं, और अब चलते हैं वापस गाड़ी के अंदर, तो ये आगे हम बंद कर दे इशू, तो इसने बंद कर दिया अब, और ये हम वापस अंदर आ गए हैं। और अगर आपको अपनी नॉर्मल कार में लैम्बोर्गिनी का एक्सपीरियंस लेना है ना, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सीट है, सीट को पीछे करके, और सीट पीछे कर ली ये यहाँ से और पीछे करके, अब आप देख सकते हैं पूरी लैम्बोर्गिनी बन गई है, पूरा लेट के चलाओ आगे भी सही दिखता है, और वैसे भी चलती भी सही है, पैर भी पूरे पहुँच जाते हैं नीचे तक, तो ये एक्सपीरियंस है एक तो, और बाकी और मैं थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ इसकी आपको, आगे कर लेते हैं सीट, और अब जो हैं मैं भी दिखाता हूँ ऊपर करी सो, ये थोड़ी सी अटक गई थी, तो अब मैं दिखाता हूँ और जो बाकी मॉडिफिकेशंस हैं, एक तो ये थी स्टीरियो की मैंने दिखा दी आपको, फिर उसके बाद आती है ये एक बक्सा रखा है इसके नीचे, ये पिंक कलर का, ये देख रहे हैं आप, ये है एम्पलीफायर का, जैसे एक बास की वीडियो बनाई थी मैंने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उस वीडियो में मैंने इसका बास दिखाया कितना मस्त है और गजब का बास है, वो मेरी पॉपुलर वीडियो भी है अभी तक की, तो उस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना, और प्लीज़ देखना यूँ मतलब इग्नोर मत करना, उस वीडियो को भी देखना, और वो ऐसे ही पागल है वो। तो इसका हॉर्न हमने एक बार बदलवाया था, विंटोन का लगवाया था मिंडा का, वो ख़राब हो गया था, उसकी रिले में पानी घुस गया था, तो अब इसका स्ट्रोक हॉर्न है, ये हॉर्न है इसका एकदम मस्त, और स्ट्रोक चीज़ होती है ना वो अच्छी रहती है, फिर अगर उसमें मॉडिफिकेशंस करवाएंगे तो फिर ख़राब होनी शुरू हो जाती है वो चीज़ वहीं से। तो ये हमने मिरर लगवाए थे इसके, ये बॉडी कलर के, और वैसे पहले ये ऐसे थे ब्लैक से कलर के, हमने बॉडी कलर के लगवाए थे, और फिर अब और क्या आता है इसमें, सीट कवर है बाकी, और कुछ नहीं है, तो अभी बाहर चलते हैं, बाहर कुछ मिल जाएगा, तो अब चलते हैं बाहर। और यहाँ पे ना थोड़ी सी मैंने पार्किंग की थी, तो मैं इतना अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, मैंने स्पेस नहीं छोड़ा, तो ये आ गए हम बाहर, गर्मी थी अंदर एसी नहीं चला रखा था, तो अब कार है ये खड़ी यहाँ पे, इसमें क्या है ये लाइट है, ये थोड़े से स्क्रैच, ये जो है ना ये तो पता नहीं किसी बाइक वाले ने मारी थी, ये तारकोल के छींटे लग रहे हैं यहाँ पे, तारकोल होता है जिससे सड़क बनती है वो,
तारकोल क्या हुआ था, वहाँ पे सड़क बन रही थी पापा स्कूल के आगे, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और यूं ही मतलब यूं मार रहे थे, तो इस पर भी छींटे लग गए। इस लाइट बंद कर, चल तू रहने, मैं करता हूँ मैं करता हूँ, तो इसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ और भी दबा दे जान है, यूँ कह रहा जान है। तो अब ये आता है, ये हमने स्टिकर लगवाया था एक रोहतक स्प्लैश का, उतर गया। और कुछ नंबर दिखाऊँ, नंबर नंबर नहीं दिखाते, नंबर देख लो यदि तेरा नंबर देख लिया, बस इतना ही दिखाता। और फिर उसके बाद ये हमने इसके व्हील कप जो थे एक टूट गया था, और फिर हमने चार तीन जो है वो नए लेके आए, नहीं तीन थे एक नया लेके आए थे, वो हमने लगा दिए थे इस पर। लेकिन फिर उसका क्या हुआ, टायर में पिंचर हो गया था, तो उसको खोलने के लिए वो नट होते हैं ना वो व्हील कप के अंदर थे, तो वो खोलने पड़े उसको, इसलिए हमने फिर हटा दिए। वैसे व्हील कप में अच्छी बहुत लगती है कार, और ये मेरी फेवरेट कार है, फेवरेट। एक बार पता क्या हुआ था, मैं पापा स्कूल में था, हाँ मैं पापा स्कूल में था, तो वहाँ पे पता है पापा ने क्या किया, बैग ले रहे थे, बैग लेते लेते मतलब शीशे बंद कर लिए सुना नहीं, तो हम और टीचर वगैरह थे वो बोल रहे रुक जाओ लेकिन रुके नहीं थे, तो रुके नहीं पापा, सुना नहीं ना अंदर, तो ये जो हिस्सा था ना पूरा ये डैमेज हो गया था, एक पीछे पेड़ था सीधी उसमें टक्कर मारी पापा ने, तो ये डैमेज हो गया था, और ये देख सकते हैं ये बम्पर में पेंट उखड़ गया, यहाँ से डैमेज हो गया था। उस दिन पापा की छुट्टी हुई थी 2:30 बजे, और मैं पापा के स्कूल से लेके हमारे घर तक रोता आया था, क्यों, मेरे को ये कार बहुत अच्छी लगती थी, पापा दूसरी के ले रहे थे लेकिन मैंने दिलाई थी ये कार, मैं बोला ये लेनी है, फिर पापा ने ली थी ये कार। और अब चलते हैं हम कार के अंदर, इसे नीचे उतर, तो ये कैमरा गया कार के अंदर, मैं बाहर हूँ ना, अभी नहीं। तो ये कुछ ऐसा इंटीरियर है, और ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गया तो मैं बंद करता हूँ इस वीडियो को, और मैं एक बार और बता दूँ मैं कहाँ रहता हूँ, एक मिनट, ये देखो ये एक सड़क है, यहाँ से ये दूसरी कॉलोनी में जाती है, ये एक घर है और उधर भी 2-3 घर हैं, ठीक है, और ये सड़क ब्लॉक्स बिछे हुए हैं, इसमें ब्लॉक्स होते हैं सीमेंटेड ब्लॉक्स वो हैं, और ये फिर इधर साइड में हमारे वाली गली जाती है आगे तक, उधर तक आगे एक और वो घर है वो रहा वहाँ पे, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है ये घर अभी। तो ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी हो रही है, एडिटिंग में टाइम लगेगा। सो बाय गाइज, लव यू गाइज, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और घंटे का जो ऑप्शन आता है वो भी दबा देना साथ में, तो आपके मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। टिल देन बाय बाय।